दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमारा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। इसके आपको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी जो कि नोटिफिकेशन में किया उसके बारे में बात करें। अगर आपको ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की डेली जानकारी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली जानकारी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड एडवर्टाइज नंबर 2/2022 NRB 31/7/2020 क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट 1/7/2022 से यानी जुलाई से 1 जुलाई से लेकर 31/7/2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन रहेगा। इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉलोइंग पोस्ट न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड आपका कलपक्कम तारापुर एंड मुंबई। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है ग्रेड 3 ग्रुप सी। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। टोटल UR कैटेगरी में 3, OBC में 1, SC में 1, ST में 1। ठीक है, हाई स्कूल पास यहाँ पे आपकी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन या उसके बराबर, मिनिमम 50% यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे स्पीड टाइपिंग दे सकते हैं 80 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में स्टेनोग्राफिंग में, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट की बात करें 18 दे रखी है, मैक्सिमम 27 ऑन द लास्ट डेट रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जनरल कैटेगरी के लिए ठीक है यहाँ पे 27 और OBC 30 और SC/ST कैंडिडेट 32। पे यहाँ पे 25,500 पे लेवल फोल्ड रहेगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 1 आवर का। ड्यूरेशन कवरिंग जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड। मार्क स्कीम 3, मार्क आपको एक नंबर एक क्वेश्चन सही करने पर दिया जाएगा, एक नंबर गलत करते हैं क्वेश्चन गलत करते हैं एक नंबर काट दिया जाएगा। स्टोर उसके बाद लेवल 2 आपका स्टेनोग्राफर आपका स्किल टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 50% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी 40% OBC SC/ST फिजिकल डिसेबिलिटी के। और इम्प्लीमेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क लेवल 1 और 2। लेवल 1 2 के आपके जो मार्क के अनुसार यहाँ पे आपका क्राइटेरिया रहेगा। नेचर ऑफ ड्यूटी स्क्रूटी सेक्रेटरी ड्यूटी, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रुप सी। नंबर वैकेंसी टोटल 11 है। UR कैटेगरी 4, इकोनॉमिक सेक्टर में 1, OBC में 2, SC में 2, ST में 2। हाई स्कूल पास आपका यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइट एंड टू हैवी व्हीकल, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट व्हीकल, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट और एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी व्हीकल की जब आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आयु देर के 18-27 लास्ट डेट रिसिप्ट के अनुसार, ठीक है, जो कि 31 जुलाई के अनुसार। कैटेगरी वाइज यहाँ पे UR 27, OBC 30, ST कैंडिडेट 32। 19,000 सैलरी रहेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1 आवर का। यहाँ पे जनरल आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऑटोमेटिक मोटर व्हीकल एक्ट। मार्क स्कीम 3 नंबर दिए हैं, एक नंबर आपका गलत करने पर ड्राइविंग टेस्ट होगा लेवल 2 का। सेम 50% रहेगा जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी के लिए, 40% SC/ST OBC के लिए। दोनों के बेस पे यहाँ पे आपको कराया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाई 1 लेवल टेस्ट विल बी कॉल फॉर लेवल 2 के लिए। ठीक है, वर्क असिस्टेंट ग्रुप सी आप यहाँ पे दे सकते हैं। 72 वैकेंसी है। UR 20, इकोनॉमिक सेक्टर 3, OBC 15, SC 15 और ST 12 फिजिकल डिसेबल के साथ। हाई स्कूल पास 18-27 दे रखी है। सेम क्राइटेरिया है, 18,000 सैलरी रहेगी। प्रिलिमिनरी टेस्ट 1 आवर का, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20 मैथमेटिक्स, 20 साइंस के और जनरल अवेयरनेस के तहत। 3 नंबर दिए हैं, एक नंबर आपके गलत काट लिए जाएंगे। ठीक है, सेम क्राइटेरिया 40% जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे दे सकते हैं 30% आपके जे के बिलो रहेगा। एडवांस टेस्ट लेवल 2, लेवल प्राइमरी टेस्ट जो विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस टेस्ट। 50 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जिसमें 2 आवर ड्यूरेशन, मैथमेटिक्स के 15, साइंस के 15, जनरल अवेयरनेस के 10, बेसिक इंग्लिश के 10। 3 नंबर दिए जाएंगे, एक नंबर काट लिया जाएगा गलत करने पर। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका सेल्फी प्रिपेयर लेवल 2 के अनुसार रहेगी। यहाँ पे फॉलोइंग क्राइटेरिया, कैंडिडेट विल लोअर
विद लोअर नेगेटिव मार्क या प्लेस हायर मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे आपको देखिए क्राइटेरिया देखने मिल जाएगा, ठीक है। नेचर और ड्यूटी के बारे में दे रखा है, वो यहाँ पे आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं और अन्य जानकारियाँ आ रही हैं, आपका प्रीवेलिंग एडिशनल बेनिफिट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, 100 रुपये फीस है। एग्जम्पशन फीस रहेगी, जो कि SC/ST फिजिकल डिसेबल्ड वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कंडीशन, एक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं 6 से लेकर 31 तक, ठीक है। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जो कि यहाँ से आप अप्लाई करें। कैंडिडेट शुड सबमिट नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन सेम पोस्ट, एक पोस्ट के लिए, एक से अधिक पोस्ट के लिए और मल्टीपल पोस्ट अप्लाई न करें, ठीक है। बाकी आपकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं, इनके बारे में जानकारी आ रही है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के एज प्रूफ के लिए आपके हाई स्कूल की मार्कशीट रहेगी, ठीक है। कॉपीज ऑफ क्राइटेरिया सर्टिफिकेट स्टेट टू सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। वार्निंग यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। क्वायरी के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड, ठीक। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी निकली बामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट करना चाहने पर सब्सक्राइब कर लर्निंग टाइम को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।